तो चलिए आज बनाते हैं प्याज लहसुन की इतनी शानदार चटनी कि गारंटी आप खाने से ज्यादा उसको खाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक चम्मच तेल डाला है। हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज करा है। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, पर सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, यानी कि गार्लिक के क्लव्स हमने यहाँ पे लिए हैं करीब 12 से 15 यहाँ पे लेके फुल फ्लेम पे हम पहले रोस्ट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। अब हम डाल रहे हैं, हमने यहाँ पे 4 से 5 प्याज लिए हैं, उसको डाइस कर लिया है हमने। तेल 1 चम्मच हमने बड़ा डाला है। अब देखिए डाइस कर लिया है अनियन को, और फिर अब हम इसको सेक रहे हैं फुल फ्लेम पे, मीडियम से फुल फ्लेम पे आप इसको आराम से सेक सकते हैं। जब तक मीडियम फ्लेम पे करके अब हम साइड में, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो हम करेंगे ही ना, ताकि हमारी चटनी जल्दी भी बने और बहुत टेस्टी भी बने, तो हमने साइड में एक पैन ले लिया है। स्लो फ्लेम पे हमने गैस रखी है। इसके लिए हम जो है खड़े मसाले वो रोस्ट करेंगे यहाँ पे। ये मसाला बना रहे हैं हम चटपटा, जिससे चटनी के टेस्ट में मज़ा आ जाएगा। हमने डाला है 2 चम्मच यहाँ पे खड़ा धनिया, यानी कि होल कोरिएंडर। फिर हमने डाला है 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा 1 टेबल स्पून। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 100 फेनल सीड्स, ऑलमोस्ट 2 चम्मच, और इसको अब हम सेक लेंगे। तो क्या होता है ना, फ्रेशली रोस्टेड मसालों का एक अलग ही स्वाद आता है चटनी में। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये चटनी इतनी शानदार है कि इतना अच्छा टेस्ट आएगा इस मसाले का कि आप खाने से भी ज़्यादा खाएंगे। और एक बे लीफ, इससे फ्लेवर आ जाएगा। तेज पत्ता हमने यहाँ पे डाला है, और साथ में अब हम डालेंगे इसमें 4 कश्मीरी लाल मिर्च। तो उससे क्या है, कलर भी आएगा और साथ में एकदम चटपटी खट्टी मीठी आपकी चटनी इतनी शानदार बनने वाली है। हाय किंजल जी, हाय शोभा जी, हाय लबाश्री जी, हाय सुशीला जी, गीतांजलि जी, संस्कार जी, सीमा जी, अल्पा जी, स्नेहल जी, सोनल जी, सोनिया जी, लवण्या जी, गुड टू सी यू ऑल। वो देखिए मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे दोनों गैस पे सेक रहे हैं साइड में। खड़े मसाले की फ्लेम हमें स्लो रखनी है, प्याज की हमने मीडियम फ्लेम कर रखी है। तो अभी हम इसको सेकने देंगे इसको यहाँ पे। ये चटनी ऐसी है कि पराठों के संग, ब्रेड पे, बाटी पे, राजस्थानी बाटी जो बनती है उसके संग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मसाले हमारे 1 से 2 मिनट ही सेकने हैं हमें, और उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। इसको चलाते रहिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब मसालों की जो है हमने गैस बंद कर दी है, 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अब ये ठंडे होने देंगे हम मसालों को, हमारे खड़े मसालों को, और फिर अब हम ये प्याज, अब हम इसमें डाल रहे हैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, ये है सीडलेस इमली। इमली टैमरिंड होता है ना, इसमें सीड्स नहीं है, हमने इसमें रॉ टैमरिंड डाली है। मैं बता रही हूँ, इससे इतनी खट्टी मीठी चटनी बनती है। आप लिटरली, मतलब मैंने जब ये चटनी बनाई थी ना, तो लिटरली आई वॉज, मज़ा आ गया था। मैं उसको इतना खाया, मैंने इतना खाया कि एक सेइंग है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, वो एग्जैक्टली इस चटनी के संग होगा। तो इमली ज़रूर डालिएगा, हमने एक छोटा सा पीस डाला है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मसालों को सेक लाएंगे और इसको अब हम ड्राई ग्राइंड करेंगे। ड्राई ग्राइंड करेंगे साथ में, अब क्या करना है ना, आपको ये गैस बंद कर देनी है, प्याज की भी इतना ही हमें सेकना है। अब तब तक हम इनको, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ना, इसको ठंडा होने देने के बाद हमें इसको ड्राई ग्राइंड करना है। तो इससे जो मसाला बनेगा वो लहसुन की चटनी, इस प्याज लहसुन की चटनी में जाता है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है ये चटनी, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियोज़ लेके आते हैं। गारंटी आपकी रेसिपी भी इतनी अच्छी बनेगी। अब ये बेलीफ निकाल लेनी है, तेज पत्ता नहीं पीसते कभी भी। तेज पत्ते को हमने निकाल दिया है, वो सिर्फ फ्लेवर के लिए था। अब हमारा सारा का सारा मसाला पैन में डाल देंगे, ये ड्राई ग्राइंड कर रहे हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा इसमें लगता है, बट ट्रस्ट मी इतनी अच्छी चटनी बनती है ना, थोड़ा सा एफर्ट लेके चटनी बना लेंगे ना बहुत अच्छी बनेगी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, आराम से 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको ड्राई ग्राइंड कर लेंगे, तब तक ध्यान रखिएगा ये प्याज को ठंडा करने के लिए रख के आ जाए, रख देंगे हम, क्योंकि वो ठंडे होने पे ही ग्राइंड करिएगा। थैंक यू बीना जी, सिमी जी, रुचि जी, दीपक जी, उष्मा जी, ऋतु जी, अवतार जी, गुड टू सी यू ऑल। अब देखिए और हमें खड़े ही रखने हैं मसाले, ये हमें ध्यान रखना है कि मसाले हमारे खड़े ही रहने चाहिए, दरदरा मतलब कोर्सली ग्राइंड होने चाहिए। देखिए एकदम ओहो, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया है, कितने अच्छे से पीसा है, फटाफट पिस जाता है, यही खासियत लगती है मेरे को अपने फिलिप्स के मिक्सर ग्राइंडर की। अब देखिए यहाँ पे इस मसाले को अब हम साइड में रख लेंगे। देखिए अगर ये ज़्यादा है ना चटनी के लिए, थोड़ा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि इस मसाले को आप सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं बाद में, तो स्टोर करके रख लीजिए एयरटाइट कंटेनर में, सब्जी में टेस्ट में 4 चांद लग जाएगा आपका इस मसाले में, ट्रस्ट मी। तो इसको साइड में रख लीजिएगा और सब्जियों के ऊपर डालिएगा, मज़ा आ जाएगा खाने में। अब हम लाएंगे हमारी प्याज, लहसुन और इमली। अब हम इसको इसकी वेट ग्राइंडिंग करेंगे, तो इसके लिए हम वेट ग्राइंडर वाला जार लेंगे यहाँ पे। ठंडा होने पे ही पीसिएगा। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड लाइव वीडियो लेके आते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सभी को ढेर सारा प्यार जायका का तड़का की तरफ से। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी मॉम्स को भी, क्योंकि आप मॉम्स ही हैं हम सबकी टीचर्स। आज हमने आप सभी से सीखा है खाना बनाना, तो थैंक यू सो मच, जायका का तड़का विश करता है आपको हैप्पी टीचर्स डे। अब हम तड़का लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल, जिस पैन में हमने प्याज और लहसुन को सेका है उसी में हम, क्योंकि तेल उसमें यूज़ करा था, तो तड़के के लिए थोड़ा सा तेल और डालेंगे। इसलिए आप इस चटनी को आराम से 5 से 6 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो अब हम ये देखिए यहाँ पे हमने क्यूमिन सीड्स डाल दिया है हमारे तड़के में, 1 टीस्पून, थोड़ी सी राई, सरसों या मस्टर्ड सीड्स भी हम डालेंगे। और फिर अब हम तड़के वाली दाल, ये जो बोलते हैं तड़के में उड़द दाल हमने डाली है, आप देख सकते हैं ये वाली तड़के में जो यूज होती है वो डाली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये कलौंजी यानी कि नाइजेला अनियन सीड्स जिसे बोलते हैं वो हमने यहाँ पे यूज करा है। अब हम इसको वेट ग्राइंड कर लेंगे। तड़के को हमने स्लो कर दिया है हमारे फ्लेम को। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू सो मच, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चला लेंगे, तो देखिए फटाफट इसमें भी पेस्ट बन गया है। आप आराम से इसको ठंडा करके पीसिएगा, ठंडा करके पीसेंगे तो आराम से पिस जाएगा आपका, क्योंकि हम लाइव वीडियो कर रहे हैं तो हम आपको लिमिटेड टाइम में ही सारा दिखाना पड़ता है, तो फटाफट करें, पर ठंडा हो जाए आपका तब इसको आराम से पीसिएगा मिक्सचर को। देखिए गर्मा गर्म चटनी बन रही है, दिस इज लाइक सो अमेजिंग। थैंक यू दीपाली जी, पूजा जी, कौशिक जी, भाविका जी, रेशमा जी, गुड टू सी यू ऑल, आप सभी के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आप जितनी चटपटी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पे ही गैस को रखिएगा, हमारे तड़के में जब मिर्ची डाल रहे हैं तो स्पेसिफिकली तब भी हमें स्लो फ्लेम पे ही रखनी है, इससे कलर आ जाता है। जितना आप इसको चटपटा करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। और अब हम हमारा ये जो प्याज और गार्लिक का हमने पेस्ट बनाया वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको और फाइनली आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, हमें ऐसी ही दरदरी ही पसंद आती है।
देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चटनी का, मुंह में पानी आ रहा है ना। मैंने आपको बोला था गारंटी खाने से ज़्यादा खाएंगे, लिटरली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मेरे संग हुआ है इसलिए आज हम इसका लाइव वीडियो कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको बना सकें। ये खट्टी मीठी चटपटी चटनी, मज़ा आ जाएगा खाने में। अब हम इसमें थोड़ा सा जो मसाला हमने पीसा है वो भी डालेंगे, यहाँ पे एक चम्मच चलेगा, बाकी को हम स्टोर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे नमक डाला है, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सो देखिए बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है हमारी ये शानदार चटनी, प्याज लहसुन की चटनी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उस मसाले की, लिटरली आज टीचर्स डे पे आई एम सो हैप्पी कि इतनी अच्छी रेसिपी यहाँ पे बन रही है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा अनियन और गार्लिक का जो था उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला लेंगे ताकि जो बचा हुआ पेस्ट है ना वो भी अच्छे से आ जाए। और देखिए चटनी में पानी डलता ही डलता है, नहीं तो थोड़ी सी थिक होती है। एकदम बढ़िया आप इसके आती हैं, आई लव। और देखिए अब ये हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा वो भी जितना भी पेस्ट बचा था उतना हम कर देंगे। अब पानी को हम होने देंगे। थैंक यू सचिन जी, विजय जी, नेहा जी, गुड टू सी यू ऑल। शानदार लहसुन प्याज लहसुन की प्याज की चटनी है जिसमें लहसुन भी थोड़ा सा ऐड करा है, रेडी है। इसको आप बाजरे की रोटी के संग, ज्वार की रोटी के संग, या फिर नॉर्मल प्लेन पराठा या फिर बाटी के संग, इतना मज़ा आएगा खाने में। थैंक यू गुंजन जी, आपकी डॉटर को भी ढेर सारा प्यार। थैंक यू अखिलेश जी, भगवान जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, कविता जी, वंदना जी, गुड टू सी यू ऑल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ा, लिटरली आई कांट वेट टू हैव दिस इन माय डिनर। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको ऑलमोस्ट 30 seconds to 1 minute तक इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। आप सभी प्यारी मॉम्स को, डैड्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी हमारा बहुत दिले सच्चे दिल से हैप्पी टीचर्स डे। कहते हैं पेरेंट्स जो होते हैं ना, मॉम और डैड, वो सबके सबसे पहले टीचर होते हैं सारे बच्चों के। तो इस बच्ची अपेक्षा की तरफ से आप सभी मॉम्स और डैड्स को जायका का तड़का की तरफ से ढेर सारा प्यार आज हैप्पी टीचर्स डे में। यू आर द टीचर्स फॉर योर किड्स, हम बच्चों के लिए आप पेरेंट्स ही सबसे बड़े टीचर हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर योर फैमिली एंड किड्स, हैप्पी टीचर्स डे। देखिए कितना शानदार कलर आया है ना, अगर आपका भी मन कर रहा है ना एक बार ज़रूर बनाइएगा आज टीचर्स डे पे। और अगर आप अपने मम्मी पापा के संग रह रहे हैं तो उनके लिए आज ये चटनी ज़रूर बनाइएगा टीचर्स डे पे, स्पेशल गिफ्ट उनको ज़रूर दीजिएगा। बन चुका है, तो देखिए अब हम ये चटनी सर्व कर देते हैं। शानदार चटनी हमारी रेडी है, अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। इसको सर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, राइट, मन कर रहा है ना इसको खाने का। अब बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अच्छी लगे, मन कर रहा है लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये शानदार प्याज लहसुन की चटनी एक बार बनाएंगे बार बार खाएंगे, गारंटी है हमारी। अब और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।